और बड़ी खबर आपको बता दें, संदेश खाली में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। आरोपी शाहजहां शेख और उनके करीबियों की 14 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है, जिसमें शाहजहां शेख के दोनों भाई आलमगीर शिराजुद्दीन की संपत्तियां भी शामिल हैं। जमीन कब्जाने के मामले में दर्ज पीएमएलए के तहत ईडी ने ये कार्रवाई की है। जब्त प्रॉपर्टी संदेश खाली में लोगों की जमीन पर जबरन कब्जा करने पर बनाई गई थी, जिसे जब्त कर लिया गया है। इस मामले में अब तक ईडी 288 करोड़ प्रोसेज ऑफ क्राइम चिन्हित कर चुकी है और 4 लोगों को ईडी गिरफ्तार भी इस पूरे मामले में कर चुकी है। अरे कहां जा, देश के अलग अलग शहरों में पालतू कुत्तों की वजह से विवाद और झगड़ों की खबरों के बीच हैदराबाद से भी ऐसा ही चौंका देने वाला मामला सामने आया। आरोप लगा वहां एक पालतू कुत्ते के हमले के बाद हुई लड़ाई में उसके मालिक की बुरी तरह पिटाई कर दी गई। बताया गया कि उस कुत्ते ने कुछ दिन पहले अपने मालिक के एक पड़ोसी पर हमला कर दिया था और आरोप लगा कि बदला लेने के लिए उस पड़ोसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस कुत्ते के मालिक की बेरहमी से पिटाई कर दी। श्रीनाथ नाम के उस आदमी को गिराकर उस पर अंधाधुंध वार किया गया। कुछ लोगों ने लात घूंसे बरसाए तो 2 हमलावर डंडों से उसे पीटते दिखाई दिए। हमलावर उस कुत्ते के मालिक पर इस कदर टूट पड़े कि मानो उसकी जान लेकर ही दम लेंगे। हालांकि इस दौरान श्रीनाथ की माँ और बहन ने उसे बचाने की कोशिश की। श्रीनाथ की बहन तो उसके ऊपर लेट गई, लेकिन हमला करने वाले नहीं रुके। उन्होंने श्रीनाथ के साथ साथ उसकी बहन पर भी डंडों की बारिश कर दी। उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे उनके सिर पर खून सवार हो। अपने बेटे और बेटी की जान खतरे में देख श्रीनाथ की मां ने हाथ जोड़ लिया, लेकिन हमलावरों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने बेखौफ होकर पिटाई जारी रखी। बताया गया कि श्रीनाथ नाम के जिस आदमी को पीटा गया उसके पड़ोसी ने 8 मई को थाने में शिकायत दर्ज करवाई। उसने आरोप लगाया कि श्रीनाथ के पालतू कुत्ते ने उस पर हमला किया था और जब उसने श्रीनाथ को ये बात बताई तो उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। और आरोप लगा कि कुत्ते को लेकर हुए उस झगड़े के कई दिन बाद उसने प्लान बनाकर श्रीनाथ पर हमला कर दिया, क्योंकि मारपीट से पहले की तस्वीरों में श्रीनाथ अपने पालतू कुत्ते को एक गली में टहलाता दिखाई दिया। इसी दौरान काली टी शर्ट में श्रीनाथ का वो पड़ोसी भी वहां से गुजरा जिस पर मारपीट के आरोप लगाए गए। तस्वीरों में वो कुत्ता काली टी शर्ट वाले आदमी की ओर बढ़ता दिखा, लेकिन श्रीनाथ ने उसे पकड़े रखा। कुछ दूर जाने के बाद काली टी शर्ट वाला श्रीनाथ का पड़ोसी अपने 4 साथियों के साथ लौटा और उन लोगों ने मिलकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। श्रीकांत की बहन और मां की लाख मिन्नतों के बाद भी वो नहीं माने। पालतू कुत्ते की वजह से हुई इस मारपीट ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। इसके बाद वो हमलावर वहां से भाग निकले, लेकिन उनके इस हमले में श्रीनाथ और उसकी बहन पूरी तरह घायल हो गए। हालांकि बाद में उनकी शिकायत पर पुलिस ने सभी आरोपियों को दबोच लिया, लेकिन हैदराबाद की अकेली घटना नहीं है जहां पालतू कुत्ते की वजह से झगड़ा हुआ हो। इससे पहले भी देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी खबरें आती रही हैं। इनमें दिल्ली के करीब उत्तर प्रदेश के नोएडा की एक घटना तो कई हफ्तों तक चर्चा में रही थी, क्योंकि ये घटना वहां की एक पॉश हाउसिंग सोसाइटी में घटी थी। जनवरी महीने में हुई इस घटना का एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक पालतू कुत्ते की मालकिन एक आदमी के साथ हाथापाई करती दिखी थी। बताया गया कि उस आदमी पर सिर्फ इसलिए हाथ छोड़ा गया था क्योंकि उसने उस हाउसिंग सोसाइटी में कुत्तों को बिना मास्क के घुमाने पर एतराज जताया था। इसी तरह का हैरान कर देने वाला एक मामला पिछले साल अक्टूबर महीने में ग्रेटर नोएडा से भी सामने आया था। वहां अपने पालतू कुत्ते को लिफ्ट में ले जाने के लिए उसकी मालकिन रिटायर हो चुके एक आईएएस अधिकारी से भिड़ गई। दोनों लोगों के बीच जबरदस्त झड़प हो गई थी। ये झगड़ा इसलिए हुआ था क्योंकि वो अधिकारी हमले के डर से उस कुत्ते को लिफ्ट से उतरवाने पर अड़ गए थे। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद हाउसिंग सोसाइटी में पालतू कुत्तों के रखने पर विवाद छिड़ गया था और हैदराबाद में पालतू कुत्ते के चक्कर में 2 पड़ोसियों के बीच हुई लड़ाई ने एक बार फिर उसी विवाद को हवा दे दी। उधर पाकिस्तान की संसद में वहां के एक सांसद ने भारत की ताकत की दुहाई देते हुए अपने देश की ऐसी तुलना की कि पूरे पाकिस्तान का मजाक बन गया। वहां कराची के सांसद ने भारत के चांद पर पहुंचने का जिक्र करते हुए जो बात कही उसने शहबाज शरीफ सरकार की धज्जियां उड़ा दी और उन्होंने पाकिस्तान के संसद भवन के अंदर ही शहबाज सरकार की खटिया खड़ी कर दी। कराची से सांसद सैयद मुस्तफा कमाल ने भारत के चांद पर पहुंचने की तुलना पाकिस्तान की खस्ता हालत से की। ये खबर है कि इंडिया चांद पर चला गया और उसके 2 सेकंड के बाद खबर है कि कराची में किसी गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चा गिर गया मर गया। उन्होंने ऐसा कहते हुए एक बार फिर पाकिस्तान की बेहाली और बदहाली को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे यहाँ मासूम बच्चे खुले हुए गटर में गिर कर मर रहे हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब भारत के मिशन चंद्रयान से पाकिस्तान का जी जला हो। इससे पहले भी कई बार वहां के लोग पाकिस्तान की सरकार
महाकोश रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल, माही का महाकोश। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी के मामले में केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज। शिकायत में विभव कुमार पर लात और थप्पड़ मारने का आरोप। पुलिस ने स्वाति मालीवाल का करवाया मेडिकल। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के खटाखट वाले बयान पर कसा तंज, कहा चुनाव के बाद खटाखट बिखर जाएगा इंडिया गठबंधन। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा खटाखट। ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे खटाखट खटाखट। मुंबई के शिवाजी पार्क में आज एनडीए दिखाएगी ताकत। प्रधानमंत्री मोदी के साथ रैली में सीएम एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और राज ठाकरे रहेंगे मौजूद। उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी की तीन बड़ी रैली आज। बाराबंकी, फतेहपुर और हमीरपुर में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष पर रॉड से हमला। बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया हमला करवाने का आरोप। घाटकोपर होर्डिंग हादसे मामले में मुख्य आरोपी भावेश भिंडे उदयपुर से गिरफ्तार। बीजेपी ने लगाया उद्धव के करीबी होने का आरोप। राजस्थान के जालौर में हाई कोर्ट के आदेश पर 140 मकानों पर बुलडोजर एक्शन। विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। दिल्ली समेत उत्तर भारत के बड़े हिस्से में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने तापमान के 45 डिग्री के पार जाने की जताई आशंका। यूके में पाकिस्तान के खिलाफ आजादी की जंग शुरू। लोगों ने कहा आटे के दाम कम करने के लिए नहीं बल्कि आजादी के लिए शुरू हुई है लड़ाई। बागी संगठनों से हथियार उठाने की अपील। महाकोश रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल, माही का महाकोश। देश के अलग अलग शहरों में पालतू कुत्तों की वजह से विवाद और झगड़ों की खबरों के बीच हैदराबाद से भी ऐसा ही चौंका देने वाला मामला सामने आया। आरोप लगा वहां एक पालतू कुत्ते के हमले के बाद हुई लड़ाई में उसके मालिक की बुरी तरह पिटाई कर दी गई। बताया गया कि उस कुत्ते ने कुछ दिन पहले अपने मालिक के एक पड़ोसी पर हमला कर दिया था और आरोप लगा कि बदला लेने के लिए उस पड़ोसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस कुत्ते के मालिक की बेरहमी से पिटाई कर दी। श्रीनाथ नाम के उस आदमी को गिराकर उस पर अंधाधुंध वार किया गया। कुछ लोगों ने लात घूंसे बरसाए तो दो हमलावर डंडों से उसे पीटते दिखाई दिए। हमलावर उस कुत्ते के मालिक पर इस कदर टूट पड़े कि मानो उसकी जान लेकर ही दम लेंगे। हालांकि इस दौरान श्रीनाथ की माँ और बहन ने उसे बचाने की कोशिश की। श्रीनाथ की बहन तो उसके ऊपर लेट गई, लेकिन हमला करने वाले नहीं रुके। उन्होंने श्रीनाथ के साथ साथ उसकी बहन पर भी डंडों की बारिश कर दी। उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे उनके सिर पर खून सवार हो। अपने बेटे और बेटी की जान खतरे में देख श्रीनाथ की मां ने हाथ जोड़ लिया।